हमने भी अपने बॉस को लेके रिजल्ट और सिलेक्शन का प्रॉमिस करा था। पिछली बार भी हमने प्रॉमिस करा था आपको, मैं बताऊं कि कम से कम 100 में 5 बच्चे हमारे होंगे, मतलब केमिस्ट्री में 100 में 100 ऐसे लाने वाले 5 बच्चे होंगे, और जेई मेंस में भी और नीट में भी क्वालिफाई होंगे। दुर्भाग्यवश कह लीजिए, मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसा बच्चा नहीं किया। बस 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊं, उनका अच्छा स्कोर रहा। इन बच्चों के ऐसे स्कोर रहे हैं जो मतलब काफी अच्छे रहे, बाकी लोग तो ऐसे ही हैं। इन बच्चों में 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो जेईई मेंस में 90% से 90% से ऊपर क्वालिफाई हैं। एक बच्ची है, इस बार मुझे लगता है उसका 99 या 100 आ सकता है, अभी अप्रैल वाले सेशन में आएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने उसको इवनिंग में पर्सनली पढ़ाया है, मतलब रेगुलर पढ़ाता हूँ शाम में, तो मुझे लगता है वो लाएगी, अच्छा पढ़ती है। एक लड़का है, वो मुझे लगता है नीट में पूरे, ऐसा तो मैंने सोचा है, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में और जालंधर डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर वो ऑक्यूपाइड करेगा। उसका नाम है अंशुल, मुझे लगता है वो करेगा, बाकी परमेश्वर का आशीर्वाद होगा तो होगा। आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि जेई मेन्स में 13 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास हमारे अभी पढ़ रहे हैं 12th B में, 13 बच्चे क्वालिफाई करेंगे जिनमें से 90% से ऊपर मार्क्स रहेगा, ये मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने आपके मार्क्स देखे हैं और पिछले साल मैंने आपको पढ़ाया है और पर्सनली मैं जानता हूँ। लेकिन इसका एक दूसरा भी है, आप टेस्ट देने बिल्कुल नहीं आएंगे, क्लास बिल्कुल नहीं करेंगे, मस्ती बहुत चाहिए, सिलेक्शन भी बहुत चाहिए, तो ऐसा सिलेक्शन तो अब परमेश्वर ही है जो आपका करवा पाएंगे, जब आप मतलब क्लास करने से भागते हो, मन ना करता हो क्लास करने का, तो थोड़ा आपको पढ़िए, नहीं तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर लेते हैं क्लासेस। ठीक है, सॉलिड स्टेट में मैंने एक लास्ट टॉपिक छोड़ रखा था जिसका नाम था पिछले क्लास में डेंसिटी। सक्षम नाम के लड़के ने पहले दिन ही जब मैं पढ़ा रहा था तो उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था। अब वो कहीं कोचिंग पढ़ रहा होगा, तो उसने क्या किया था, अपना कैमरा ऑन कर लेंगे और अब देखते हैं जरा इसको करते हैं। उसने क्या किया था, जब वो बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो कहीं भी पढ़ रहा होगा, एग्जैक्ट वो पढ़ ही रहा होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, और उसने ला के क्वेश्चन मेरे से पूछा था, तो मैंने उसको बोला था कि समय आएगा तो होगा, अब उसका समय आ जाए, जरा देखते हैं। मैं जरा यहाँ करता हूँ, डेंसिटी हमारी लास्ट हेडिंग है। ठीक है, वैसे तो क्लास 11 में हमने मोल कंसेप्ट में डेंसिटी टॉपिक पढ़ा था, और डेंसिटी का मतलब होता है मास पर वॉल्यूम। जरा प्लीज स्क्रीन पे देखना है, आपको लिखना नहीं है, मास पर वॉल्यूम फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोगों ने शॉर्टकट में डी इक्वल टू एम बाई वी लिखा था, या हमने पिछले क्लासों में बोला था आपसे कि कई बुक्सों में इसको ऐसे लिखा होगा, रो यहाँ पे लिखा होगा, रो जरा से देख लें आप, और लिखा होगा एम बाई वी, ये रो है, आर एच ओ पढ़ते हैं इसको, रो पढ़ लो, स्मॉल डी पढ़ लो, सब एक ही वर्ड है। डेंसिटी के फॉर्मूले रो होते हैं, या डी भी इंट्रोड्यूस करते हैं, या डेंसिटी हम यूज करते हैं, सेम फॉर्मूला जो ये मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला है वैसा ही यहाँ भी यूज करेंगे, लेकिन आप जानते हैं यहाँ पे एक वर्ड बार बार आएगा जिसका नाम है यूनिट सेल। क्या नाम है, यूनिट सेल। तो हम थोड़ा हेडिंग लिखेंगे डेंसिटी, और डेंसिटी का पर डेफिनेशन लिखेंगे, लिखेंगे रेशियो ऑफ मास ऑफ यूनिट सेल, रेशियो ऑफ मास ऑफ यूनिट सेल, देखा आप लोगों ने, टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज डेंसिटी, नोन एज डेंसिटी। सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखेंगे, हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, स्क्रीन पे देखना है, लिखा हुआ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू होता है मास ऑफ यूनिट सेल, और नीचे भी क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये सेम फॉर्मूला है, जरा एक बार मैं स्क्रीन ऊपर कर रहा हूँ, जरा आप देखें, सेम फॉर्मूला है सब कुछ, यहाँ बस एक यूनिट सेल इंट्रोड्यूस हुआ, क्या हुआ है, यूनिट सेल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला होगा मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आपको तो पता है कि मास निकालेंगे या वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास, हमने पिछले क्लास में देखा है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला फिक्स नहीं है, वो क्या है, ए क्यू है, एस सी सी का अलग आएगा, बी सी सी का अलग आएगा, और एफ सी सी का अलग आएगा। अब पिछले क्लास में देख लो, पैकिंग इफिशियंसी से ठीक पहले, पैकिंग इफिशियंसी से ठीक पहले हमने ए क्यू अलग निकाला है, एस सी सी का, बी सी सी का और एफ सी सी का। मास ऑफ यूनिट सेल के बारे में बोलूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ एटम्स, कैसे निकालेंगे जरा देखो आप, पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम, इनटू मास ऑफ वन एटम।
नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को हम लोग पिछले क्लास में जेड एक इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो लिखेंगे जेड और नीचे EQ एज इट इज रहने देंगे। मास ऑफ वन एटम कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ वन एटम को बोलते हैं एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। जरा एक बार इधर रफ लिख रहा हूँ, ये एटॉमिक मास बाय एवोगैड्रो नंबर को हम लोग शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे करेंगे ए बाय एम ए। क्या लिखा हुआ है, ए बाय एम ए। एटॉमिक मास को हमने थोड़ा शॉर्ट हैंड में लिख दिया ए, और नीचे लिखा है हमने एन ए। एन ए का नाम एवोगैड्रो नंबर है, तो हम जानते हैं अच्छे से एन ए का नाम एवोगैड्रो नंबर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। अब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो ऐसा हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू लिखूंगा जेड इंटू ए, ये का मतलब एटॉमिक मास, नीचे में लिखूंगा एवोगैड्रो नंबर और क्या लिखूंगा ए क्यू। ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला है, इसको जरा आपको कॉपी करना है। और इंपॉर्टेंट बात ये थोड़ा सा है कि इसकी यूनिट ग्राम पर सीसी होगी, इसका यूनिट ग्राम पर सीसी होगा। यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में एक लाइन लिख लेना, जो मैं लाइन बोल रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डेंसिटी आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन होगा, मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग में वैल्यू गिवन होगा, क्वेश्चन में जो वैल्यू होगी वो आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन होगी, और हमारे पास जो डेंसिटी का यूनिट है वो ग्राम पर सीसी है। किसमें है, ग्राम पर सीसी में है, तो थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम जरा क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखना है आपको सोडियम क्रिस्टलाइजेस, क्वेश्चन है सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी यूनिट सेल, इन बीसीसी यूनिट सेल डिस्टेंस बिटवीन, लिखा लोगों ने इफ डिस्टेंस बिटवीन, पूरी लाइन में रिपीट कर रहा हूं, सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इफ डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, इफ डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इन द क्रिस्टल, इन द क्रिस्टल इज 1.73, is 1.73 angstrom, is 1.73 angstrom, then calculate, first point है, edge length of unit cell, then calculate, first point है, edge length of unit cell, और दूसरा है density of unit cell, पहला है edge length of unit cell, और दूसरा है density of unit cell। मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन में आर्मस्ट्रॉन्ग में वैल्यू गिवन होगी, लेकिन हमारा आंसर ग्राम पर सीसी में आएगा, आप जानते हैं अच्छे से। और मैंने ये भी आपको बोला था, ये क्वेश्चन एक सक्षम नाम के बच्चे ने मेरे से पूछा था, तो उसको मैंने बोला था समय आएगा तो होगा। अब जरा देखते हैं कैसे होगा। क्लास 12 बोर्ड में डेंसिटी से 2-3 बार क्वेश्चन आ रखा है, तो जरा डेंसिटी वगैरह अच्छे से पढ़ लेना। अब जरा देखो कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका 2R, 2R कितना है इसका, 2R कौन सा है, नियरेस्ट नेबर है। इसका नियरेस्ट नेबर कितना है आपको पता है, कितना लिखा हुआ है 1.73, 1.73 को हम कितना लिखेंगे, रूट थ्री। स्क्रीन पे जरा सभी बच्चे देखें, आपको तो पता है कि बॉडी डायगोनल का जो एज लेंथ होता है वो कितना होता है, 4R/√3। सभी बच्चे स्क्रीन पे देखते चलो, बॉडी डायगोनल का मैं यहाँ लिख देता हूँ एज लेंथ कितना होता है, A=4R/√3, पिछले क्लास हमने लिख लिया है, आप तो जानते हो। 4R/√3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट थ्री तो नीचे लिख लेंगे, और 4R को जरा से देखो हम कैसे लिखेंगे, 2×2R लिख सकते हैं, इजिली लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इस रूट थ्री में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे, और टू को ऐसे ही, और टू आर की जगह पर हम रूट थ्री यहाँ से लिख सकते हैं। ये जो रूट थ्री यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रूट थ्री या रूट थ्री पूरा हट जाएगा। एज लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 angstrom, कितना हो जाएगा, 2 angstrom। तो पहला क्वेश्चन में पॉइंट बोला हुआ था एज लेंथ कैलकुलेट करना है, तो एज लेंथ कैसे कैलकुलेट करा मैंने आपको बताया यहाँ पे, एज लेंथ कैसे कैलकुलेट करा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये एज लेंथ था, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है डेंसिटी, तो डेंसिटी निकालेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा अभी मैंने बोला था जेड इंटू ए, ए का मतलब एटॉमिक मास लिख देता हूं, चलो यहां पे एवोगैड्रो नंबर और यहां पे ए क्यू। आपको याद होगा जेड बीसीसी का 2 होता है, बीसीसी का जेड कितना होता है, 2 होता है, पिछले क्लास में हमने नोट्स में लिखा है वहां से पढ़ लेंगे। और एटॉमिक मास सोडियम का कितना होगा, 23। एवोगैड्रो नंबर वैसे 6.023 होता है, लेकिन मैंने मोल कंसेप्ट की क्लास में आपसे बोला था कि हम 6×10^23 लिखेंगे न्यूमेरिकली इसको इजी में सॉल्व करने के लिए, तो हम ये लिखेंगे। और आप जानते हैं, जरा प्लीज यहाँ पे देखो ए क्यू लिखना है, ए क्यू जरा सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ गलती होगी, स्क्रीन पे एक बार देखेंगे ए क्यू गलती होगी, ए क्यू कायदे से हमें लिखना था यहाँ पे 2R, यानी 2 angstrom का क्यू, कितना लिखना है, 2 angstrom का क्यू। आप जानते हैं जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जरा देखो 2×23, यहाँ पे लिखूंगा 6×10^23 × अब जरा यहाँ देखना है इस 2 का अगर हम क्यू लेंगे, ये ए क्यू है सॉरी, 2 का क्यू लेंगे तो कितना होगा, 8। जरा यहाँ देखना 2 का लेंगे तो ये 8 हो गया, और हमारा आंसर आएगा ग्राम पर सीसी में, और वैल्यू किसमें, एंगस्ट्रॉम में। जरा यहाँ देखना है प्लीज, यही गलती होगा सबसे, तो यहाँ पे हम जब एंगस्ट्रॉम को ग्राम में लेके जाएंगे तो 10^-8 होगा, जरा ध्यान सुन लो, और -8 का क्यू लेके जाएंगे
तो कितना होगा 10^-24। जब इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 230 ऐसे 230 और नीचे कितना होगा बाई 24, जो अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आएगा 10 मान लें, कितना आएगा 10 आंसर आएगा। ये जरा आपको कॉपी करना है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, मैं जरा एक बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है सभी बच्चों को, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि वैल्यू हमारा एंगस्ट्रॉम में होगा क्वेश्चन में, और वैल्यू जो मतलब क्वेश्चन जो होगा किसमें होगा, ग्राम पर सीसी में होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। कुछ कुछ हमने क्वेश्चन करवाए थे आपको पिछले क्लास में, जैसे मैंने बोला था उनको जरा से देख लेने के लिए, जैसे पेरोस्काइट, स्पाइनल, मैंने बोला था इन सबको जरा अच्छे से पढ़ लेना, ये सब जेईई एडवांस और मेंस के टॉपिक हैं। पेरोस्काइट का फॉर्मूला, स्पाइनल का फॉर्मूला, डायमंड, कोरेंडम, कार्बोरेंडम, इन सबों में डिफरेंसेस मैंने एक लास्ट क्लास में एक वीडियो मैंने लिया था, बैसाखी के बाद एक क्लास मैंने पढ़ाई थी, वहां पे ये सारे टॉपिक हमने कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको डेंसिटी वगैरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं जरा दो पीपीटी आपको शेयर कर रहा हूँ, जरा एक बार व्हाट्सएप पे देखेंगे, दो पीपीटी एक बार आपको शेयर कर रहा हूँ जो आपको अपने घर पे लैपटॉप पे देखना है। दो पीपीटी मैंने आपको शेयर कर दिया है, इसको व्हाट्सएप पे आपको लैपटॉप पे देखना है, ठीक है। ये इस पे नहीं खुलेगा या आपके फोन में पता नहीं खुल रहा होगा नहीं खुल रहा होगा, लेकिन लैपटॉप पे से देखना है। ये क्या पीपीटी में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। ये सेम वही पीपीटी है जो मैंने क्लासरूम लेक्चर नोट्स में पढ़ाया था, कहाँ पे पढ़ाया है, जो मैंने आपको 5 लेक्चर शेयर किया है, जिन बच्चों को 5 लेक्चर मैंने शेयर किया, उसमें लास्ट के लेक्चर्स में मैंने जो पढ़ाया था, तो वहां भी लेक्चर में मैंने बोला है कि मैं आपको दो पीपीटी शेयर करूंगा, और मैंने आपको दो पीपीटी शेयर किया है, ये अपने घर पे क्लासरूम लेक्चर के बाद नोट्स में मतलब जो है देख लेंगे अच्छे से, और इसका एक नोट्स बना लेंगे। मैं 5 बातें जरा एक बार बोल रहा हूँ सॉलिड स्टेट को लेके, जरा मेरी बात ध्यान सुन लें। अभी जो नीट का पेपर ओम सर ने करवाया था वो पेपर बहुत ईजी है, मैंने ग्रुप में शेयर किया, आप देख लेना। जेईई मेंस का पेपर हमने लिया है वो बिल्कुल वैसा ही लिया जैसे क्वेश्चन आजकल आ रहा है, जैसा क्वेश्चन आ रहा है वैसा ही हमने पेपर रखा है। सर ने जो पेपर बनाया था बहुत ईजी बनाया था, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला है कि क्लास नोट्स में 3D पैकिंग सबसे डिफिकल्ट है, उसको जरा ध्यान से पढ़ लेंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि पिछले के पिछले साल 2018 कह लो 19-20 2018 में सॉलिड स्टेट सिलेबस में नहीं था, क्लास 11th में था, लेकिन 19-20 सेशन में, जरा ध्यान सुन लें, 19-20 सेशन में ये हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर 20-21 सेशन में हमारे सिलेबस में पूरा आया है, लेकिन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उन्होंने हटा दिया था, लेकिन 21 सेशन से 22 सेशन में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने ऐड कर लिया है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ऐड कर लिया है। ये हालांकि सारे टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं, आप एक बार पीपीटी को जरा अपने लैपटॉप पे देखोगे थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ आयनिक कंपाउंड हमने क्लास नोट्स में सॉलिड स्टेट में लिखा होगा, टाइप्स ऑफ आयनिक कंपाउंड में रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, एज लेंथ, बीसीसी, ये सब क्या होते हैं, स्पाइनल, पेरोस्काइट, इनवर्स स्पाइनल, नॉर्मल स्पाइनल, ये सब क्या है, डायमंड, कोरेंडम, ये सब थोड़ा आपको अच्छे से देखना है। इसको मैंने एक लास्ट क्लास बैसाखी के बाद वीडियो बनाई थी, वो वीडियो भी मैं कल अपलोड या आज शाम में अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख लेना। इस चैप्टर में जितनी बातें थी सब मैंने पढ़ा दिया है, इसको लेके जरा आप अच्छे से तैयार करेंगे। 4 मई को आपका इसका पेपर है सब्जेक्टिव, जरा आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, सॉल्यूशन। ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब आ जाइए आप लोग जरा सॉल्यूशन में देखना एक बार। हमारे पास चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, प्लस चैप्टर का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे सॉल्यूशन प्लस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे जरा सब टॉपिक वगैरह हम थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सब टॉपिक वगैरह थोड़ा हम लिख लेते हैं। तो जरा देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म, जरा यहाँ देखना है कंसंट्रेशन टर्म। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेपर प्रेशर हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे क्वांटा फैक्टर, थर्ड टॉपिक का नाम है क्वांटा फैक्टर, क्वांटा फैक्टर। फोर्थ टॉपिक जरा मैं इधर लिख रहा हूँ, स्पेस थोड़ा मेरे पास नीचे कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फोर्थ टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको कई बुक्स में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस तरीके से लिखा होगा, जिसको हम लोग बोला करेंगे आज से सीपी। सीपी सीपी में हमारे 4 टॉपिक हैं, जरा मैं इधर थोड़ा शॉर्ट हैंड में लिखा करूंगा। एक नाम है आरएलवीपी, नाम है कुछ आएगा तो देखेंगे, एक का नाम है आरएलवीपी, एक का नाम है ईएलवीपी, ईएलवीपी कुछ नाम है, जब आएगा तो कोर्स में हम देखेंगे। एक का नाम है डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
प्रिपरेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट टॉपिक का नाम है हमारे पास ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हम चार टॉपिक करेंगे। फाइव नंबर टॉपिक इसके बाद हम देखेंगे, फाइव नंबर टॉपिक देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। फाइव नंबर हमारी टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। एक बार जरा स्क्रीन पे लिख लिया होगा आपने तो जरा देखना है। ठीक है, अभी एक और बच्ची ऐड हुई है। ठीक है, अब जरा देखो एक बार थोड़ा सभी लोग, ये जो टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म, यहाँ जरा देखेंगे ये जो टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म है, इससे हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है दो या तीन नंबर का न्यूमेरिकल। एक बार मैं बोल देता हूँ, दो या तीन नंबर का हर साल एक न्यूमेरिकल आएगा, इसको जरा आप अच्छे से तैयार कर लेना। ये टॉपिक हमने क्लास 11 में एक बार पढ़ा था, अभी एक बार मैं और थोड़ा आपको पढ़ाऊंगा। दोबारा एक बार बोलता हूँ, पिछले साल क्लास 11 में ये टॉपिक हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाया था, और मैंने बोला है कि हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है दो या तीन नंबर का न्यूमेरिकल आता है, इस टॉपिक को एक बार हम दोबारा करेंगे। वैसे तो मैंने पिछले बैच में पढ़ाया था, जो आपसे जो पिछला 12th है उनसे मैंने पूछा क्या कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा है, बच्चों ने बोला नहीं सर मूल कंसेप्ट में हो गया है, हमें अच्छे से समझ में आ गया, पढ़ाने की जरूरत नहीं। लेकिन आपकी स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है पर दोबारा पढ़ा देना चाहिए, तो इसे हम करेंगे। वेपर प्रेशर से जेई 2008 में क्वेश्चन आ रखा है, जेई 2008 में क्वेश्चन आ रखा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है जेई 2011 में, यहाँ जरा लिखता हूँ, जरा देखिए आप जेई 2011 में, 2012 में इससे क्वेश्चन है कंटिन्यू है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस से जेई 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसे 9 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन ये हमने लिख दिया इस तरीके का, जो अभी हमने करंट क्वेश्चन लिखा है, और भी इससे क्वेश्चन है लेकिन हम लोगों ने करंट क्वेश्चन को लेके थोड़ा बातचीत हम करेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे क्या, कंसंट्रेशन टर्म। दूसरी बात हम लोग शुरू करेंगे वेपर प्रेशर। अब ये हमारा टॉपिक का सब टॉपिक है। अब थोड़ा हम वापस अपने सिलेबस को जरा देखें, नीट के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि हम नीट के लिए अब नहीं पढ़ रहे हैं, नीट के लिए हमारा कोई बैच नहीं। थोड़ा यहाँ और देखो, हमारे जो एनसीईआरटी में टॉपिक है जरा यहाँ देखना है, एनसीईआरटी में पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेगा, तुरंत वहां हेनरी लॉ आ जाएगा। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोगों ने जो टॉपिक कराया सॉल्यूशन स्टार्ट करा है, ये टॉपिक हम लोग सॉल्यूशन थोड़ा सा पहले हम लोग देखेंगे, मतलब कंसंट्रेशन देखेंगे। कंसंट्रेशन मतलब आप जानते हैं मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन डैश डैश, ये सारा टॉपिक हम कर लेंगे यहाँ पे अभी तुरंत। इसके बाद हम लोग पहले करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद हम देखेंगे हेनरी लॉ। एनसीईआरटी को हम लोग थोड़ा लास्ट में फॉलो करेंगे, अभी हम फॉलो नहीं कर सकते, करेंगे तो हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। एक टॉपिक हमने क्लास 11 में टॉपिक किया था गैस स्टेट, जरा देखना आपको गैस स्टेट में जब एक आज अगर हम नोट्स, क्लास नोट्स और एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पे एक टॉपिक लिखा होगा जिसका नाम लिखा होगा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर लिखा होगा, विस्कोसिटी लिखा होगा, विस्कोसिटी। ये दोनों टॉपिक कल की क्लासों से स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार दोबारा बोलता हूँ, वेपर प्रेशर और विस्कोसिटी हमारी कल की क्लास से स्टार्ट हो जाएगी। जो सॉल्यूशन में वहां पे लिखा होगा लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट में जब हम लेबल में देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा लिक्विड स्टेट, तो हमारा टॉपिक जब शुरू होगा तो लिक्विड स्टेट भी पैरेलल साथ में चल रहा होगा, यानी सॉल्यूशन का नाम ही लिक्विड स्टेट है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो अब हम हेडिंग करेंगे जरा, सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे सॉल्यूशन, हमारी मेन हेडिंग ऑफ सॉल्यूशन है। जरा देखो अब आ जाओ स्क्रीन पे, आपको तो पता है कि सॉल्यूशन हमारे पास तीन तरीके का है। एक सॉल्यूशन का नाम है ट्रू सॉलिड सॉल्यूशन, क्लास 11 से टॉपिक को लिंक करके पढ़ा रहा हूँ मूल कंसेप्ट की क्लास से। दूसरे सॉल्यूशन का नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन, और थर्ड सॉल्यूशन का नाम है सस्पेंशन। इन तीनों में डिफरेंस क्या है तो मैं जरा एक बार यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, फिर आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने शुगर क्यूब्स कुछ डाले, ये शुगर क्यूब्स है, थोड़ा यहां देखना, शुगर क्यूब्स हमने इसमें डाला। ये जो शुगर क्यूब्स है इसमें जैसे जाएगा, मेरी बात थोड़ा सुनना है, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, आप पहले सुनते हुए चलो, थोड़ा काफी डिफिकल्ट है इसलिए कह रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये सब मैंने पढ़ाया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी से रिकॉल हो जाए और आपको लगे कि सर ने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है। शुगर क्यूब्स जो है बेसिकली सॉलिड फेज में है, यानी उस सॉल्यूट के जो पार्टिकल है, सॉल्यूट थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, एक वर्ड है सॉल्यूट,
सॉल्यूट उसे बोलेंगे जिसकी अमाउंट लेसर हो, जिसकी अमाउंट क्या हो, लेसर हो, उसको हम बोला करेंगे सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट लार्ज हो उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। इस वाले मॉलिक्यूल में वाटर जो है सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है। सॉल्यूट का जो फेस दिखाई दे रहा है, मतलब जो उसका फिजिकल स्टेट दिखाई दे रहा है, सॉलिड फॉर्म में, लेकिन जैसे ही वाटर में मिक्स होगा और उसको हम शेक करेंगे तो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा, मतलब वो सॉलिड से किसमें चला जाएगा, लिक्विड में चला जाएगा। तो पहला ये है ट्रू सॉल्यूशन की पहचान। दूसरा, हम इसको इजिली सेपरेट नहीं कर पाएंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्या इसका आइडेंटिफिकेशन है ट्रू सॉल्यूशन का, कि अपना जो सॉल्यूट होगा अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा। दूसरा, इसको हम इजीली सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तीसरा, इसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। जब हमारे पास घर में शरबत बन जाएगा तो उसमें हमें शुगर क्यूब्स इजीली दिखाई नहीं देगा। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में यहाँ भी जैसे मान लेते हैं कि ये वाटर है और इसमें हमने बाहर से मिल्क मिलाया, मिल्क मिला दिया, जैसे ही मिल्क इसमें मिक्स होगा तो इस जो कंटेनर है हमारे पास, कंटेनर के साइड साइड में, इस कंटेनर के साइड साइड में, यहाँ पे जरा मैं जरा देखो कंटेनर के वॉल पे, जरा साइड साइड पे मैं ऐसा डार्क बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। इस कंटेनर के साइड साइड पे वाटर का लेयर तो दिखाई देगा लेकिन इसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। कंटेनर के साइड साइड पे क्या होगा, वाटर का लेयर तो दिखाई देगा लेकिन हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो कोलाइडल सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन में दो तीन बातें पहले समझ लें। ट्रू सोल्यूशन में सॉल्यूट अपनी आइडेंटिटी लॉस करेगा। दूसरी बात, दोनों में मिक्स होगा, दोनों में मिक्स होगा जो भी दो अलग अलग कंपाउंड है। ट्रू सॉल्यूशन को हम नेकेड आई से देख नहीं सकते और सेपरेट नहीं कर सकते। कोलाइडल सॉल्यूशन को नेकेड आई से देख सकते हैं, घर में दूध और पानी मिक्स कर देंगे और देखेंगे तो साइड में कंटेनर के वाल पे धीरे धीरे पानी का लेयर दिखाई देगा लेकिन उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन को हम देख भी नहीं सकते और सेपरेट भी नहीं कर सकते नेकेड आई से। कोलाइडल सॉल्यूशन को नेकेड आई से देख सकते हैं लेकिन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और सस्पेंशन को हम देख भी सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। देख भी सकते हैं ये वाटर है और इसके अंदर हमने सैंड मिक्स कर दिया। वाटर के अंदर क्या मिक्स कर दिया, सैंड मिक्स कर दिया, जिसको हम नेकेड आई से देख भी सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा। जरा दोबारा बोल रहा हूँ, ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होगा, इंटरमीडिएट होगा, और सस्पेंशन का पार्टिकल साइज भी बहुत छोटा होगा। कॉपी करना इतनी बात होगी, कॉपी करेंगे इतनी बात होगी। ट्रू सॉल्यूशन के बारे में हमने क्या बोला, इसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन को देख सकते हैं नेकेड आई से लेकिन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सस्पेंशन को देख भी सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा, सस्पेंशन का पार्टिकल साइज सबसे बड़ा होगा और कोलाइडल का इंटरमीडिएट होगा। कोलाइडल का क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। कॉपी कर लिया होगा आपने। अभी हम लोग जो शुरू करेंगे चैप्टर, उसका नाम सॉल्यूशन है लेकिन उसका रियल नाम है ट्रू सॉल्यूशन। उसका क्या नाम है, ट्रू सॉल्यूशन। तो अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन शुरू करेंगे। लिखना है पहले सॉल्यूशन, अब हेडिंग है अगेन सॉल्यूशन लिखेंगे। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट्स विल लूज देयर आइडेंटिटी, विल लूज देयर आइडेंटिटी एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इन प्यूरेस्ट फॉर्म, इन द प्यूरेस्ट फॉर्म, इन द प्यूरेस्ट फॉर्म बाई सिंपल मैथड, बाई सिंपल मैथड। ठीक है, लिखिए आप लोगों ने ब्रैकेट में लिखना ट्रू सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखना ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन एक ही है। और यहां तक जरा समझ में आ गया हो तो जरा जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करना पहले। लिखना आपको पैराग्राफ जरा चेंज करके शुरू से लिखना है, पैराग्राफ जरा चेंज करके शुरू से लिखेंगे। सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स। जरा स्क्रीन पे देखना है सॉल्यूशन, अब हम ऐसा लिखा करेंगे सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स। स्क्रीन पे जरा देखो, फर्स्ट लिखा हुआ है सॉल्यूट
और दूसरा लिखा हुआ है सॉल्वेंट। हम लोग सॉल्वेंट को बी मानेंगे आज से, और इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, ठीक है। तो पहले सॉल्यूट के बारे में थोड़ा लिखना है आपको, सॉल्यूट के नीचे एक लाइन लिखना है, लिखेंगे लिखना सब्सटेंस हैविंग ए स्मॉलर अमाउंट, सब्सटेंस हैविंग ए स्मॉलर अमाउंट, सॉल्वेंट में लिखना सब्सटेंस हैविंग लार्ज अमाउंट, सब्सटेंस हैविंग लार्ज अमाउंट, सब्सटेंस हैविंग लार्ज अमाउंट। फिर जरा देखो क्या लिखना है, ये ऐसे लिखना है ए प्लस बी इक्वल टू सॉल्यूशन। ये क्या लिखा हुआ है, सॉल्वेंट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। ऐसे लिखना है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। कुछ एग्जांपल जरा से देखते हैं थोड़ा स्क्रीन पे, जरा सभी बच्चे देखें कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी का एक एक नंबर का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 40% ऑफ, जरा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 40% एथेनॉल। जरा यहाँ देखना है इस लाइन का मतलब है, इस लाइन का मतलब है जो इसमें एथेनॉल है उसकी अमाउंट कम होगी। एथेनॉल कैसा होगा, सॉल्यूट होगा। जरा एक बार देख ले प्रीवियस ईयर्स बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ एक एक नंबर में, इनमें से कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो लाइन को पढ़ के पता चल रहा है कि 40% ऑफ एथेनॉल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 60% जो इसमें दिया हुआ नहीं है वो 60% की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, तो हम बोलेंगे वो सॉल्वेंट है। एथेनॉल क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ये लिखना। इसी तरीके से मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है 60% ऑफ एथेनॉल, क्या लिखा हुआ है 60% ऑफ एथेनॉल। तो इस बार जो एथेनॉल होगा मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सॉल्वेंट होगा, क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, क्योंकि रेस्ट अमाउंट जो 40% इसमें गिवन नहीं है, 40% इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, उसकी अमाउंट कम है, पता नहीं वो कौन है, जिसकी अमाउंट गिवन कौन होगा, सॉल्यूट होगा, तो जो दिया हुआ उसका नाम सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है 50% बोथ, 50% बोथ, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें दोनों के दोनों मॉलिक्यूल कैसे होंगे, सॉल्यूट होंगे, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल कैसे होंगे, सॉल्यूट होंगे, ध्यान रखना। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50% बोथ, बोथ का मतलब जो दो नाम हो, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, उसमें हमें ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों कौन होंगे, सॉल्यूट होंगे। क्लियर हो गया, फिर लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, लिखना आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में लिखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपको लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ, केस वन लिखना ऑन द बेसिस ऑफ, केस वन लिखना ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। उसमें पहला सॉल्यूशन का नाम है बाइनरी सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन का नाम है बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे कि नाम पढ़ के पता चल रहा है कि सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स, बाइनरी का मतलब दो होता है, बाइनरी का मतलब आपको ध्यान रखना कितना होता है, टू होता है केमिस्ट्री में, तो बाइनरी का मतलब टू है, तो सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स। आपको तो पता है कि दो कंपोनेंट होगा, और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट का मतलब एक तो सॉल्यूट अपनी मर्जी से लेना है और एक सॉल्वेंट लेना है। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिक्स होगा तभी उसका नाम क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन बनाना है और दो ही कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सेकंड आपको लिखना है यहाँ पे टर्नरी, टर्नरी सॉल्यूशन, इसमें लिखना है टर्नरी का मतलब थ्री होता है, सॉल्यूशन हैविंग थ्री कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन हैविंग थ्री कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन हैविंग थ्री कंपोनेंट्स। इसमें लिखना है आपको जब भी थ्री कंपोनेंट्स होगा तो सॉल्यूट तो एक ही हो सकता है, सॉल्यूट कौन होगा, सॉरी सॉल्वेंट तो एक ही हो सकता है, सॉल्वेंट कौन होगा, जिसकी अमाउंट बहुत ज्यादा हो, तो रेस्ट जो होंगे उनकी अमाउंट कैसी होगी, वो कम होगी, रेस्ट उनकी अमाउंट कैसी होगी, कम होगी। तो दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। नेक्स्ट लिखेंगे केस टू, नेक्स्ट हमारी एडिंग है केस टू, इसमें लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, केस टू में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। पहला उसमें लिखा हुआ है जरा यहां देखें, ये ऑप्शन में डाइल्यूट सॉल्यूट, जिसको आज हम लोग आज से बोला करेंगे डिल, इस तरीके से डाइल्यूट सॉल्यूट। देखेंगे इसमें सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट,
सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट। दूसरा लिखेंगे बी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूट, जिसको हम बोलेंगे इस तरीके का, सी ओ एन सी से आइडेंटिफाई करेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूट। इसमें लिखेंगे सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट, सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट, सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट। घर में आपके, अगर घर में कोई अल्कोहलिक होगा, अगर कोई आपके फैमिली मेंबर में जो अल्कोहल पीता होगा, आप देखेंगे, ऐसे तो मैं भी पीता नहीं हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप जल्दी समझ पाए। अगर उन्होंने पानी की क्वांटिटी ज्यादा रखी है और जो इधर से अल्कोहल ले रहे हैं, अगर अल्कोहल की अमाउंट कम रखेंगे, अल्कोहल की अमाउंट कम रखेंगे और पानी की अमाउंट ज्यादा रखेंगे, तो जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे डायल्यूट सोल्यूशन। और अगर उन्होंने अल्कोहल की अमाउंट ज्यादा ले लिया, पानी बिल्कुल नहीं लिया, विदाउट मतलब वाटर अल्कोहल वो अपनी बॉडी में इनहेल कर रहे हैं या ले रहे हैं या टेक कर रहे हैं, तो ऐसे वाले को हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है आपको थोड़ा सा, कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कंसंट्रेशन, जिसको आज से हम लोग थोड़ा ऐसा लिखा करेंगे, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में लिखना है आपको, कंसंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड, कंसंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू WIT लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, with respect to solute and it is defined with respect to solute, sorry, and it is defined as a ratio of acid, likhna, and it is defined as a ratio of, yahan zara likh raha hu dekhen, ratio of मास मोल वॉल्यूम, मास मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मास मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द मास, टू द के बाद फिर लिखना है मास ऑब्लिक वॉल्यूम, ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, of solution, oblique solvent, oblique solvent, oblique solvent, ये लिखना है। उसके बाद mass, mole, volume of solute, नीचे लिखा हुआ है mass, volume of solution, oblique solvent, oblique solvent, ऑब्लिक सॉल्वेंट। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि हम इस पूरे चैप्टर में टोटल 10 या 12 फॉर्मूले पढ़ेंगे। अभी 10 या 12 कंसंट्रेशन में फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो 12 फॉर्मूला है इसी लाइन से बना हुआ, जो हमने यहाँ पे एक लाइन लिखा, इसी लाइन से 12 फॉर्मूले बने हुए हैं। मैं बार बार उस फॉर्मूले को रिकॉल करवाऊंगा और आप यहाँ पे कंसंट्रेशन के लाइन को बार बार देखना, बिल्कुल वही लिखा हुआ होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बस अलग अलग फॉर्मूले बन गए होंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कंसंट्रेशन यूनिट। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कंसंट्रेशन यूनिट, कंसेंट्रेशन यूनिट। हम लोग क्या करेंगे, कंसेंट्रेशन यूनिट को दो ग्रुप में बना लेंगे। यहां लिखेंगे ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप का नाम इस तरीके से लिखेंगे ग्रुप बी। ग्रुप ए के बारे में अगर हम बात करें तो ये वॉल्यूम रिलेटेड है, मतलब इसमें जो भी वैल्यू लिखी होगी सब वॉल्यूम से रिलेटेड होगा, सबके सब वॉल्यूम रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बोल रहा हूँ। दूसरा ये टेम्परेचर रिलेटेड होगा, होगा टेम्परेचर रिलेटेड होगा। ग्रुप ए इन दो चीजों से रिलेटेड होगा, मतलब लिंक होगा। ग्रुप बी के बारे में अगर बात करें तो ये मास रिलेटेड होगा। अभी मैं दो चार एग्जांपल लिखूंगा तो आपको दिख जाएगा अच्छे से, आप चिंता ना करें, ये मास रिलेटेड होगा। और ये टेम्परेचर पे इनडिपेंडेंट होगा, यानी रिलेटेड का मतलब है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा, ये डिपेंडेंट होगा, ठीक है, ये टेम्परेचर पे इनडिपेंडेंट होगा।
है, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा अगर हम देखें, यहाँ मैं लिख रहा हूँ जरा देखें, अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट है परसेंट बाई वॉल्यूम, तो इसका सिंबल होता है परसेंट बाई वी। आप देख सकते हैं इसमें वॉल्यूम इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या हुआ है, वॉल्यूम इंट्रोड्यूस हुआ है। इधर देखेंगे तो इधर लिखा हुआ है परसेंट बाई वेट, परसेंट बाई वेट, जिसको हम लिखेंगे परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, वेट लिखा हुआ है, मास लिखा हुआ है, वेट का मतलब मास है। दूसरा अगर मैं ग्रुप ए में आके अगेन देखूं तो ये लिखा हुआ है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, ये लिखा हुआ है परसेंट डब्ल्यू बाई वी। इधर आके देखेंगे तो इधर होता है मोल फ्रैक्शन, जिसको सिंबल हम लोग मानेंगे एक्स। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल एक्स। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद थर्ड इधर देखेंगे तो थर्ड इधर में होता है मोलारिटी, जिसका सिंबल है कैपिटल एम। इधर अगर हम थर्ड देखेंगे तो इसका सिंबल होता है मोलालिटी। थोड़ा दोनों का स्पेल आउट जरा सा देखना है, बड़ा डिफरेंस है, ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है मोलालिटी। फोर्थ इधर देखेंगे तो फोर्थ का नाम होता है नॉर्मैलिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एन लेंगे। और इधर अगर फोर्थ देखेंगे तो इसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग बोला करेंगे पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम बोला करेंगे पीपीएम। देख लें जरा साबित नहीं इसी बात में, ठीक है। क्लास ट्वेल्थ बोर्ड में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है अब तक 10 सालों के ट्रेंड में मैंने देखा, तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है मोलारिटी से। क्लास ट्वेल्थ बोर्ड में 10 सालों के ट्रेंड में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो मोलारिटी से आया हुआ है। मोलारिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे ग्रुप ए। तो पहले थोड़ा एक क्वेश्चन लिख लो जो प्रीवियस ईयर का है, जरा मैं बोल देता हूँ। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वेट करें मैं बोलता हूँ जरा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। कल क्वेश्चन ही बोलूंगा जो प्रीवियस ईयर का है, थोड़ा आप उसे एक बार करके ट्राई करना, अभी तो क्वेश्चन में मिल नहीं रहा है, लेकिन एक बार मैं जरा कल देख के बोलूंगा। चलो शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे ग्रुप ए, हेडिंग हमारी ग्रुप ए, ग्रुप ए जरा सा देखते हैं एक बार। ग्रुप ए में हम लोग फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे परसेंट बाई वॉल्यूम, जिसका सिंबल है परसेंट वी बाई वी, ये लिखना है। लिखेंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ, इसमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, इन ml प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जरा v बाई v का फॉर्मूला जरा देखें क्या लिखा हुआ है, V by V का फॉर्मूला लिखा हुआ V solute divided by V solution into 100। जरा एक बार स्क्रीन पे जरा सभी बच्चे देखें, मैं दो तीन बातें बोलना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला हमें याद ना करना पड़े। जरा देखो V solution कैसे निकालेंगे, तो आपको तो पता है कि सॉल्यूट का सम और प्लस सॉल्वेंट का जो सम होता है, ये दोनों क्या होता है, V solution होता है। एक तो ये लाइन जरा है, ये फॉर्मूला जरा देखना कैसे आया हुआ। एक बार जो कंसंट्रेशन टर्म हमने लिखा है, जरा सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, कंसंट्रेशन टर्म ऊपर हमने लिखा था, अभी कॉपी के क्लासरूम नोट्स में जरा देखेंगे, अभी ऊपर हमने लिखा है कि मास कंसंट्रेशन, जहां लिखा है कंसंट्रेशन टर्म से ऊपर कंसंट्रेशन एक वर्ड हमने इंट्रोड्यूस किया, वहां पे लिखा है कि ऊपर में मास
मोल या वॉल्यूम लेना है, क्या लेना है, मास मोल या वॉल्यूम लेना है, तो वी सॉल्यूट हमें दिखाई दे रहा है, और नीचे में क्या लेना है, मास या वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का, तो दिखाई दे रहा है ऊपर में हमने वी किसका लिया है, सॉल्यूट का, इसका मतलब है सॉल्यूट हमेशा ऊपर आएगा, सॉल्यूट हमेशा ऊपर आएगा और सॉल्यूशन हमेशा नीचे आएगा, केवल एक केस में सॉल्वेंट आएगा जिसको हम लास्ट में एक बार देखेंगे। दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, नीचे लिखा हुआ है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन हर वक्त सॉल्यूशन ही आएगा, केवल एक केस ऐसा होगा जिसको हम लास्ट में एक बार देखेंगे उसमें सॉल्वेंट आएगा, बाकी रेस्ट सारे केसेस में नीचे सॉल्यूशन और ऊपर में हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूट आएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। क्वेश्चन जरा से लिखेंगे, थोड़ा क्वेश्चन लिखना आपको, लिखेंगे हाउ मेनी इथेनॉल शुड बी एडेड, हाउ मैनी इथेनॉल शुड बी एडेड इन 250 ml, इन 250 ml ऑफ वाटर, हाउ मैनी इथेनॉल शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन, टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग, कंटेनिंग 80%, कंटेनिंग 80% वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 80% वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्लास 11th में मैंने जो जो टॉपिक करवाया है सेम वही पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने इस बार क्वेश्चन चेंज कर दिया है। दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, क्लास 11th में टॉपिक पढ़ाया है सेम, सारे टॉपिक वही चल रहा है। मैंने एक बैच में जो पिछले साल का पढ़ाया था उनमें मैंने पूछा था क्या मैं सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पढ़ाऊं, बच्चों को नहीं सर हमें आता है, लेकिन आप में मैंने टेस्ट तो देखा है आप कितना अच्छा देते हैं, तो मुझे लगा शुरू से पढ़ा देना चाहिए, तो एक बार शुरू से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बस हम क्वेश्चन को हमने चेंज कर लिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमने वहां करवाए थे इस बार हमने चेंज कर दिया है, तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि सेम क्वेश्चन चल रहा होगा, क्वेश्चन डिफरेंट है, तो जरा जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताना है, सॉल्व करके जरा जल्दी से बताना है क्या आंसर आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। मैं करता हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 80% डी वाई वी इसका है सॉल्वेंट का है, इसका मतलब हो गया कि 20% डी वाई वी किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डाउट नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ के लाइन पहले लिखा हुआ वहां, जब भी क्वेश्चन मिले तो ऐसा जरूर लिखना है आप, ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिखा। अब हम निकालेंगे परसेंट बाई वी, तो पहले हम लिखेंगे 20, यहाँ पे इधर लिखूंगा वी क्योंकि मैं निकालना है, वी प्लस 250 इस तरीके से लिखूंगा इंटू 100 लिखूंगा। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट किसी को नहीं आना चाहिए, जरा देख लें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, फिर 20 और ये 100, 5 लिख देंगे खत्म हो गया। और इधर हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, वी प्लस 250 देख लो जरा सा इक्वल टू कितना लिखेंगे 5 वी, वी प्लस 250 इक्वल टू कितना लिखेंगे 5 वी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया हो, वी प्लस 250 इक्वल टू 5 वी लिखेंगे, तो वी की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आप अब इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे, जैसे ऑप्शन के हिसाब से देख के लिख देता हूँ 62.5 ml। अगर ये समझ में आया हो तो जरा यस मैसेज ड्रॉप करेंगे, और नहीं आया है तो जरा एक बार बताएंगे कि दोबारा बताना है मुझे, ये समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज ड्रॉप करेंगे, अदरवाइज मुझे बताएंगे मुझे समझाना है तो। और टेस्ट दिया करें आप लोग, मुझे पता चलेगा कि मेरी कमियां कहाँ है टेस्ट में, मतलब मैं इतना खराब पढ़ा रहा हूँ तभी मुझे पता चलेगा, और मुझे कितना और मेहनत करना चाहिए आपके पीछे, नहीं तो पता चला आगे आगे पार्ट पीछे पीछे सपाट, पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, जिसको आपको करके बताना है, साहिल करेगा, चलो लिखना है 30 ml ऑफ इथेनॉल, 30 ml ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, 30 ml ऑफ इथेनॉल इज मिक्स विद, इथेनॉल के बाद ब्रैकेट में लिखना C2H5OH, ठीक है, 30 ml ऑफ इथेनॉल इज मिक्स विद 45 ml ऑफ वाटर, इज मिक्स विद 45 ml ऑफ वाटर
डिटरमाइन परसेंट वी बाई वी, डिटरमाइन परसेंट वी बाई वी ऑफ इथेनॉल, डिटरमाइन परसेंट वी बाई वी ऑफ एथेनॉल। जल्दी से सॉल्व करके बताना आप। करो साहिल कितना आंसर है, मैसेज करेंगे जिनका सॉल्व हो गया हो मैसेज जरा करेंगे। 40%, बहुत सही, बिल्कुल सही है 40%। मेरे को लग कर देना चाहिए, कहीं कोई ऐसा होगा जो मुझे परेशान करने के लिए पूछेगा, इससे अच्छा मैं पहले ही कर देता हूँ। परसेंट वी बाई वी रखेंगे, ऊपर में हम लोग देख लेंगे किसका लेना है, सॉलिड का कितना 30, नीचे में दोनों का सम तो कितना होगा ये, तो आप समझ गए होंगे 30/75 और 100, 40% आसपास इसका आंसर। कर ले आप सेकंड हेडिंग लिखेंगे, फर्स्ट हमारा था परसेंट वेट बाई, फर्स्ट परसेंट बाई वॉल्यूम, दूसरा हमारा हेड क्वेश्चन हेडिंग है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, इसको हम लिखेंगे परसेंट डब्ल्यू बाई वी। में लिखेंगे लिखेंगे इट इज द वेट, लिखेंगे इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml, प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन एंड इट इज डिफाइन एज, एंड इट इज डिफाइन एज, यहां लिखा पड़ा होगा एंड इट इज डिफाइन एज, स्क्रीन पे देखेंगे और ये कॉपी करेंगे। सभी बच्चों को पता है कंसेंट्रेशन, बार बार वही लाइन लिख रहे हैं, कंसेंट्रेशन में लाइन लिखा हुआ था कि मास मोल या वॉल्यूम ऊपर लिखना है, किसका सॉल्यूट का, मास मोल या वॉल्यूम लिखना है ऊपर और किसका लिखना है सॉल्यूट का, तो पिछली बार में वॉल्यूम आया था, इस बार कौन आ रहा है मास आ रहा है, और नीचे क्या आएगा मास या वॉल्यूम किसका आएगा सॉल्यूशन का आएगा, मास या वॉल्यूम क्या आएगा सॉल्यूशन का आएगा, केवल एक केस ऐसा आएगा जिसमें सॉल्वेंट आएगा, बाकी रेस्ट के सारे केसेस में सॉल्यूशन आएगा। ऐसा बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि फॉर्मूले को रट्टा मारने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन थोड़ा एक लिखना है आपको जल्दी से, लिखेंगे एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% डब्ल्यू बाई वी, 30% डब्ल्यू बाई वी, 30% डब्ल्यू बाई वी यहाँ पे लिखा पड़ा हुआ है देख लेंगे, 30% डब्ल्यू बाई वी ऑफ यूरिया, ऑफ यूरिया, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, सेकंड क्वेश्चन इसी में लिखना है आपको भी, सेकेंड क्वेश्चन लिखना है, लिखना व्हाट वेट यूरिया विल बी, लिखना व्हाट वेट यूरिया विल बी प्रेजेंट इन, व्हाट वेट यूरिया विल बी प्रेजेंट इन 5 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 5 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 5 ml ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी से सॉल्व करेंगे,
है, क्वेश्चन का आंसर बोल रहा हूँ फर्स्ट लाइन क्वेश्चन में, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में मैं जो आंसर बोला हुआ है, मतलब व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है 30 ग्राम ऑफ यूरिया, क्या लिखा हुआ है इसमें, 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, पहले का आंसर ये है, पहले का आंसर क्या है 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जरा से देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, परसेंट डब्ल्यू बाई जी कितना लिखा हुआ है 30, यहाँ पे लिखेंगे 30, और यहाँ पे वेट निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.5, सॉरी 5 ml है इंटू 100, तो जब मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा डब्ल्यू की वैल्यू कितना होगा 1.5 ग्राम, कितना होगा 1.5 ग्राम, कर लेंगे हम 1.5 ग्राम, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लीजिए जिसे आप करके लेकर आएंगे कल के लिए, लिखना है क्वेश्चन 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1100 ग्राम, इज डिजॉल्व इन 1100 ग्राम, 1100 ग्राम ऑफ वाटर इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज फाइव बाई फोर ग्राम पर एम एल, देन डिटरमाइन परसेंट डब्ल्यू बाई वी ऑफ ग्लूकोज। ये होमवर्क है, घर से कर लेना, और एक इम्पोर्टेंट बात सुन लें आप, अब यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, अब मैं अपने वो वीडियो सारे गूगल ड्राइव पे अपलोड करूंगा, तो गूगल ड्राइव पे चूंकि स्पेस कम होता है, तो 4 डेज आपके पास रहेगा वीडियो, 4 डेज के बाद उसे मैं डिलीट कर दूंगा, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है 4 डेज के अंदर कोई वीडियो आपको छूट रहा है तो आप देख लेंगे, ऐसा नहीं कि 1 महीने तक देखते रहें, तो डिलीट कर दूंगा फिर वो रह नहीं जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, कमिंग क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।